हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल SRS लर्निंग। और ये आपके बेटा 6 क्लास की सोशल साइंस की वर्कशीट है। वर्कशीट का जो नंबर है वो है 22 और जो हमारी डेट है वो है 14 दिसंबर 2020। ये जो चैप्टर चल रहा है हमारा वो चल रहा है हमारा 7th, और चैप्टर का जो नाम है वो है न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज़, जिसमें आज हम संघा, जिसको आप संघ बोलते हैं, उसके बारे में आज हम समझेंगे। तो द संघा वाज एन एसोसिएटेड ऑफ दोज हु लेफ्ट देयर होम्स टू अटेन इनलाइटमेंट कुड लिव टुगेदर एंड प्रैक्टिस मेडिटेशन। कि जो संघा था वो क्या था, उन लोगों के लिए क्या है, बनाया गया था जो अपने घर को क्या छोड़ी आए थे, किस लिए, ज्ञान की प्राप्ति के लिए, जिसको हम इनलाइटमेंट बोलते हैं, और वहाँ पे क्या है वो एक साथ रह सकें और क्या है प्रैक्टिस कर सकें। द रूल्स मेड फॉर बुद्धिस्ट मॉन्क्स रिसाइडिंग इन संघा वर रिटन डाउन इन बुक कॉल्ड विनय पटक। जो क्या है, जो बुद्धिस्ट मॉन्क थे, भिक्षुक थे, उनके लिए क्या एक रूल बनाया गया था, और वो जो रूल है हमको कौन सी बुक में मिलता है, वो हमें विनय पिटक, जो विनय पटक जो है नाम है उस ग्रंथ का, उसमें हमें मिलता है। वी लर्न फ्रॉम द विनय पिटक, पिटाका जो पिटक बोल सकते हैं, पिटाका ही बोल सकते हैं, दैट वर डिफरेंट अरेंजमेंट्स फॉर मैन एंड वुमेन इन द संघा। हमें इसी से पता लगा कि जो मैन और वुमेन के लिए जो अरेंजमेंट था रहने का, वो क्या है, वुमेन के लिए अलग था और मैंस के लिए अलग था। द मैन एंड द वुमेन हु ज्वाइन संघा लीड सिंपल लाइफ। जो कोई भी मैन और वुमेन जो संघा को ज्वाइन करता था वो क्या है, अपनी जो ज़िंदगी थी बहुत ही सिंपल जिंदगी जी रहे थे। द मेडिएट फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम, वो क्या है, मोस्ट ऑफ द टाइम अधिकतर क्या है, वो मेडिएट करते थे। वेंट टू सिटीज़ एंड विलेजेस टू बैग फॉर फूड, वो क्या है, गाँव में जाते थे, शहरों में जाते थे, किसके लिए, खाना मांगने के लिए। दे आल्सो हेल्ड मीटिंग्स विद इन द संघा, वो क्या है, संघ के अंदर क्या है, मीटिंग भी करते थे। एंड दे वर नोन एज भिक्षुज एंड भिक्षुनीज, उनको क्या है, जो मेल थे, ठीक है, उनको क्या, जो मैन थे उनको हम भिक्षु बोलते थे, और जो वुमेन थी भिक्षुनीज बोलते थे हम। अब क्या है, ऑल मैन कुड ज्वाइन द संघा, क्या है, जो जो मैं सारे जो मैन थे उनको क्या है संघा में ज्वाइन कर सकते थे, हाँ, फिर भी चिल्ड्रन हैड टू टेक द परमिशन ऑफ दियर पेरेंट्स। जो क्या है, जो अगर चिल्ड्रन क्या है संघ में प्रवेश करना चाहते थे तो उनको क्या है अपने पेरेंट्स से क्या अनुमति, परमिशन लेनी पड़ती थी। स्लेव्स मतलब दासों को अपने मास्टर से, एंड दोज हु वर्कड फॉर द किंग हैड टू टेक हिज परमिशन, और जो जो राजा के यहाँ पे काम करते थे उनको राजाओं से, और जो डिबेटर्स जो मतलब कर्जदार थे उनको अपने क्रिएटर से, जो मतलब उनके देनदार थे, उनसे क्या है, उनसे क्या है परमिशन लेनी पड़ती थी। वुमन हैड टू टेक दियर हस्बैंड्स परमिशन, अगर कोई वुमेन क्या है संघ में आना चाहती थी तो उसको क्या अपने हस्बैंड से क्या है परमिशन लेके आना पड़ता था। तो ये क्या है, आज हमने संघा के बारे में पढ़ा। अब हम इसे क्वेश्चंस करते हैं कि हु वॉज संघा फॉर्म्ड फॉर, क्या ये हुम होगा, क्या किसके लिए संघा क्या है बनाया गया। तो हम क्या लिखेंगे इसका क्वेश्चन का आंसर जो है, हम लिखेंगे, आप मेरे साथ साथ लिखना बच्चों, क्योंकि इसको हम यहीं पे कर लेते हैं, कि द संघा की संघा जो संघ था मतलब वाज मेड के बनाया गया था, वाज मेड फॉर पीपल, क्या है पीपल के लिए बनाया गया था, हु लेफ्ट दियर होम्स, हु लेफ्ट दियर होम्स, दियर होम्स टू गेन, किसके लिए, गेन करने के लिए, इनलाइटमेंट, इनलाइटमेंट माने होता है ज्ञान की प्राप्ति, ठीक है, इनलाइटमेंट। तो ये क्या है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, क्या संघा वाज मेड फॉर पीपल हु लेफ्ट, ये क्या है आपका लेफ्ट है LEFT लेफ्ट दियर होम्स टू गेन इनलाइटमेंट। इनलाइटमेंट की स्पेलिंग है आपकी ENLIGHTENMENT, इनलाइटमेंट। तो बच्चे ये आपका क्या है फर्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्या है आपका, क्या द रूल्स मेड फॉर द बुद्धिस्ट मॉन्क रिसाइडिंग इन द संघा वर्टन डाउन इन द विच बुक, क्या है जो ये कौन सी बुक में क्या है ये जो है इनके लिए नियम जो थे वो क्या है लिखे गए थे, वो कौन सी बुक थी, आपके जो रूल्स थे वो कौन सी बुक में लिखे गए थे, आपके लिखे गए थे विनय पिटक, विनय पिटक जो बुक थी उसमें क्या है ये इनके लिए जो रूल्स थे वो बुद्धिस्ट मॉन्क के लिए लिखे गए थे। कौन सी बुक का नाम क्या है, विनय पिटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि व्हाट काइंड ऑफ लाइफ डिड द पर्सन हु ज्वाइन द संघा लीव, के जो जो संघा को ज्वाइन करते थे उनकी जो लाइफ थी वो कैसी थी। हम यहाँ से लिखेंगे अपना थर्ड क्वेश्चन कि द मैन एंड द वुमेन हु ज्वाइन द संघा लेड सिंपल लाइफ, क्या वो बहुत ही सिंपल लाइफ जीते थे।
दे मेडिएट फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम, वो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या है, मेडिएट करते थे, ध्यान लगाते थे, एंड वेंट टू सिटीज एंड विलेज टू विलेजेस टू बैक फूड, और बैक फूड को मांगने के लिए वो क्या है विलेजेस और गांव में जाते थे। तो बच्चों ये आपका क्या है थर्ड क्वेश्चन है। आई होप कि आपको आज की जो वर्कशीट है समझ में आई होगी, बहुत ही छोटी आज हमारी वर्कशीट है, तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, साथ में सबसे इम्पोर्टेंट आप बेटा सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को। और बच्चों एक बात और कि हमारा जो चैनल है वो केजी क्लास से 9th क्लास तक की बेटा वर्कशीट आपको प्रोवाइड कर रहा है, तो प्लीज़ आइए और देखिए। ठीक है बच्चों, अब हम मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ, हमेशा खुश रहिए, COVID-19 से बेटा बच के रहिए, मास्क लगा के जाइए कहीं जाना है तो, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, और अपने आप अपने हाथों को रेगुलरली वाटर और सोप से धोइए। ठीक है बच्चों, मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ, बाय बच्चों।